सृष्टि मैट्रिक की परीक्षा 2020 में बिहार बोर्ड की परीक्षा में जिले में टॉप करने के लिए सबसे पहले तुम्हें बधाई शुभकामनाएं दे रहे हैं। एक सबसे बड़ा प्रश्न जो सामने उठता है, सबसे पहला जो आता है कि मैट्रिक परीक्षा में तैयारी किस तरह से छात्रों करनी चाहिए, चूंकि ढेर सारे छात्र बैठते हैं लेकिन टॉप तो कोई एक ही करता है, या फिर जो अच्छे मार्क्स हैं वो बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं आ पाता है, बहुत कम को आ पाता है। तो अच्छे मार्क्स के लिए अच्छी तैयारी चाहिए, तो तैयारी का क्या तुम्हारे विचार से कैसी तैयारी होनी चाहिए, किस तरह करनी चाहिए? सबसे पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बुक को पढ़ना नहीं चाहते हैं, सोचते हैं कि कोचिंग में जो पढ़ाई हो रहा है उसी के नोट्स को पढ़ पढ़ के या फिर रट रट के हम टेक्स्ट बुक की बात कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक की बात। और एनसीईआरटी बुक सबसे मेन होता है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक को पढ़ने से पॉइंट टू पॉइंट समझ में आता है और उसमें सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर रहता है, और उनको वैसे पढ़ना चाहिए। और अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो आपको पहले उस चैप्टर को पढ़ के जाना चाहिए, और वहाँ पर अगर पढ़ाई हुई उसके बाद फिर उसको पढ़ना चाहिए, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाता है। और सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा मायने रखता है, किसी भी चीज़ को सेल्फ स्टडी करने से आप खुद समझ पाते हैं कि हम कितना तेज हैं या फिर कितने मतलब कितने पानी में हैं, कितने पानी हाँ, में और जो भी कमियां होती है उस हिसाब से उसको दूर करने में सहायता मिलती है। सृष्टि, हमारे इलाके, चूंकि इलाका पिछड़ा माना जाता है खास करके एजुकेशन के क्षेत्र में, इस इलाके के हिसाब से छात्रों को पढ़ाई के दौरान या तैयारी के दौरान क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, क्या क्या आपने महसूस किया और क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं और उन कठिनाइयों को छात्र कैसे दूर करें? बहुत सारे अभिभावक ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि जो बेटी को बाहर नहीं भेजना चाहिए, वो इलाका उनके लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि शहर है वहाँ बहुत सारे मतलब बहुत तरह के लोग मिलते हैं, तो लोग समझते हैं कि बाहर जाएगी तो वो अच्छे से पढ़ नहीं पाएगी, उनको बाहर की लत लग जाएगी घूमने फिरने की, तो इस कारण से बच्चों को बाहर नहीं भेजते हैं पढ़ने के लिए, सोचते हैं घर पर रह के ही पढ़ेगी, घर पर ही कोई टीचर बुला लेंगे वैसे पढ़ेंगे, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। कोई भी इलाका या फिर पिछड़ा या कुछ नहीं होता, विद्यार्थी को खुद पे भरोसा आना चाहिए कि हम कुछ कर सकते हैं आगे जा करके, तो वो कहीं पर भी जाके रह करके पढ़ सकते हैं, चाहे वो गांव में हो या फिर शहर में हो, कहीं पर भी रह करके वो पढ़ सकते हैं। अब जैसे एक सवाल उठता है, बड़ा कॉमन सवाल है, कि तैयारी के दौरान जो है उस सेल्फ स्टडी के साथ साथ जो है कोचिंग का महत्व कितना है, क्या कोचिंग क्लास जरूरी है या फिर कोचिंग क्लास क्या तुम्हें कैसा लगे, क्योंकि तुमने भी किसी किस कोचिंग में तुम थी? जीनियस टीचिंग पॉइंट में तुमने भी पढ़ा है, तो क्या लगा कि जीनियस टीचिंग पॉइंट का कितना योगदान है या फिर किसी भी कोचिंग का किसी की पढ़ाई में कितना योगदान, सफलता में कितना योगदान होता है? क्योंकि देखिए सेल्फ स्टडी करने से ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं जो पूरा बुक का पॉइंट टू पॉइंट हम खुद से समझ सकते हैं, तो इसीलिए कोचिंग की जरूरत पड़ती है, जिससे हम किसी भी पॉइंट को समझ नहीं पा रहे हैं तो वो पॉइंट उसका कॉन्सेप्ट हमें कोचिंग से क्लियर हो जाता है, और मतलब सारे मतलब टाइम टू टाइम टेस्ट होते हैं, एग्जाम से पहले भी टेस्ट लिया जाता है, जिससे हम देख पाते हैं कि मेरी तैयारी कितनी अच्छे से हो पाई और कितनी कमी मेरे में रह गई है, तो इसलिए कोचिंग का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। और मैं जिस कोचिंग में पढ़ती थी जीनियस टीचिंग पॉइंट में, उसका तो बहुत ज़्यादा योगदान था, क्योंकि उसमें मतलब जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ उसका तुरंत टेस्ट लिया जाता था, और उससे हम समझ पाते थे कि मेरे हिसाब से चैप्टर कितना क्लियर हुआ है, टीचर्स के हिसाब से चैप्टर क्लियर हो जाता है खत्म हुआ, लेकिन उससे ये समझ आता है कि स्टूडेंट्स ने कितना अपना चैप्टर क्लियर कर पाया या नहीं कर पाया। छात्र छात्र जो इस तरह की तैयारी कर रहे हैं, खास करके मैट्रिक की परीक्षा की, जो आगे आने वाले साल में जो तैयारी कर रही है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगी कि कैसे वो तैयारी करें? सबसे पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि जो किसी भी पॉइंट को हम रट लेंगे तो उससे हम मतलब पास कर सकते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी ये बोलते हैं कि सोशल जो रटने का सब्जेक्ट उसको रट लोगी तो एग्जाम जाके पास हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही कोई सब्जेक्ट रटने का सब्जेक्ट नहीं, रट करके कोई भी किसी एग्जाम को पास या फिर कॉम्पिटिशन को पास नहीं कर सकता है, उसे हमको पॉइंट टू पॉइंट समझ के अपने लैंग्वेज में लिखना पड़ता है, जिससे हम एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, और सबका अपना लिखने का एक तरीका होता है किसी भी चीज़ को, और किसी चीज़ को रट करके नहीं पढ़ना चाहिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। और जैसे किसी चीज़ का हम लोग जैसे थे तो पांच छह लड़कियां ग्रुप डिस्कशन करते थे, उससे किसी पॉइंट पे जो डिस्कशन होता है वो पॉइंट हमें ज़्यादा याद आता है, एग्जाम में वो पॉइंट आता है तो हम सोचते हैं अरे इस पे तो ग्रुप डिस्कशन हुआ था, तो वो पॉइंट हमें माइंड में खुद हमारा वो चलने लगता है कि इस पे हमको क्या लिखना है कैसे लिखना है, तो उनको इस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, या फिर उनके अगल बगल में तीन चार लड़कियां उसके साथ बैठ के उनको ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए। मतलब कि तुम्हारा कहना है कि इस इलाके में भी तैयारी अच्छे से की जा सकती है, इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ हो सकता है तैयारी की जा सकती है। पढ़ते रहिए मधेपुरा टाइम्स, निडर, निर्भीक और निर्णायक।